and welcome to Thikana. मैं हूँ खुशबू हजारे. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ फ्रॉड की एक चार्जशीट दर्ज की गई है. जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा पर 30 लाख का फ्रॉड करने का इल्जाम है. क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं बॉलीवुड राइट नाउ में. मुरादाबाद के प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सोनाक्षी सिन्हा ने उनसे 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है. एक्चुअली प्रमोद एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं और उसके तहत ही वो एक इवेंट करने वाले थे जहां पर सोनाक्षी सिन्हा की परफॉर्मेंस होने वाली थी. इसके तहत एग्रीमेंट किया गया, 30 लाख रुपए में सोनाक्षी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो चुकी थी. प्रमोद ने ये 30 लाख रुपए अलग अलग इंस्टॉलमेंट में सोनाक्षी को दे दिए थे. इसके साथ ही सोनाक्षी की दिल्ली आने जाने की फ्लाइट की टिकट्स भी करवा दी थी, लेकिन सोनाक्षी ने एंड मोमेंट पर इस इवेंट पर आने से मना कर दिया. इसके साथ ही प्रमोद, जो कि ऑलरेडी इस इवेंट की टिकट्स बुक कर चुके थे, लोगों से पैसा ले चुके थे, ऐसे में सोनाक्षी के कारण उन्हें वो इवेंट कैंसिल करना पड़ा और लोगों को उनका पैसा चुकाना पड़ा और उन्हें बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा. जब सोनाक्षी ने परफॉर्म नहीं किया तो प्रमोद ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो सोनाक्षी की तरफ से वो पैसे वापस आए ही नहीं. ये बात 1.5 साल पहले की है और तभी प्रमोद ने मुरादाबाद पुलिस स्टेशन में जाकर सोनाक्षी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी. कंप्लेंट तो रजिस्टर हो गई थी, लेकिन इसके बाद मामला आगे ही नहीं बढ़ रहा था, कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा था. प्रमोद का वो जो मैटर था वो वहीं के वहीं अटक गया था और सोनाक्षी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था. प्रमोद का कहना है कि सोनाक्षी ने अपनी स्टार पावर और अपने फादर की पॉलिटिकल पावर को यूज करते हुए कार्रवाई रुकवा दी. हालात ये थे कि प्रमोद बस पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे, लेकिन मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा था. ऐसे में प्रमोद ने हर रोज PM, CM सबको टैग करके अपनी गुहार लगाना शुरू कर दी. उसके बावजूद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया. फाइनली प्रमोद ने परेशान आकर आत्महत्या करने की कोशिश की और तब जाकर सोनाक्षी पर प्रेशर आया और फाइनली पुलिस ने सोनाक्षी से पूछताछ की. इनिशियली तो पुलिस सोनाक्षी से पूछताछ करने के लिए मुंबई भी आई थी, लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं मिली. उसके बाद फाइनली सोनाक्षी को मुरादाबाद जाना पड़ा. वो एक होटल के कमरे में रुकी थी जहाँ पर पुलिस और अथॉरिटीज़ ने उनका पक्ष सुना और उसके बाद फाइनली अब जाकर यानी कि 1.5 साल बाद प्रमोद की जो भी कंप्लेंट थी उस पर कार्रवाई शुरू हुई है. सोनाक्षी पर चार्जशीट अब फाइल हो चुकी है. प्रमोद का कहना है कि 1.5 साल की मेहनत के बाद अब फाइनली सोनाक्षी पर चार्जशीट दाखिल हुई है. वो कहते हैं कि 30 लाख भले ही सोनाक्षी के लिए छोटी बात हो, लेकिन वो 30 लाख उनके लिए बहुत बड़ी बात है. बॉलीवुड राइट नाउ में अभी के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और खबर के साथ. सब्सक्राइब करें ठिकाना.